हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से हैं और स्वस्थ हैं और मस्ती में हैं। तो आज का जो वीडियो हमने लिया है, आज का टॉपिक लिया है नौकरी वर्सेस बिजनेस, जॉब वर्सेस बिजनेस। आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, या जीवन में आपको जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। जो जॉब करने वाले लोग होते हैं, देखिए कई पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब और बिजनेस जो होता है उनकी अलग अलग के फ़ायदे और अलग अलग फ़ायदे और नुकसान होते हैं। मान लीजिए कि आप नौकरी करते हैं तो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जहाँ पे काम कर रहे हैं, आप उसके लिए जीवन भर काम करते हैं और आप रिटायर हो जाते हैं या आप इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं, तो आपके पीछे आपका परिवार, आपके बच्चे बचते हैं। तो क्या आपका बच्चा भी उस कंपनी में आपके पद पे बैठ सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जिस योग्यता में आप हैं, अगर उस योग्य वो लड़का नहीं है तो वो उस कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप उसी कंपनी के मालिक हैं, और तब क्या देखा जाए, तब आपका लड़का या आपका जो आगे का जनरेशन है वो आपकी प्रॉपर्टी, आपकी कंपनी का मालिक बन जाएगा। तो इससे सीधा सीधा समझ में आता है कि अगर आप नौकरी करते हैं तो आप अपने लिए जीते हैं, लेकिन जब आप बिजनेस करते हैं तो जो आप प्रॉपर्टी बनाते हैं, जो बिजनेस बनाते हैं, वो आपके बाद आपके परिवार को, आपके अगले जनरेशन को मिल जाता है। अगर जैसे एग्जांपल के लिए अगर धीरू भाई अंबानी का एग्जांपल लिया जाए कि उन्होंने एक बिजनेस खड़ा किया, तो क्या उनके बाद उनके बेटों को उनका बिजनेस मिल गया? लेकिन अगर वो नौकरी कर रहे होते या किसी कंपनी के कर्मचारी होते, तो क्या उनके बच्चों को फिर वो नौकरी मिल जाती? नहीं मिलती। तो इसलिए हम यहाँ पे इस पॉइंट पे इस बात को प्रेफर करते हैं कि बिजनेस करना ज़्यादा सही होता है, अगर आप अपने परिवार को देखते हैं कि ये जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है या नहीं होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो लोग उदास हो जाएं, वो निराश हो जाएं। कई मामलों में नौकरी भी अच्छी होती है, क्योंकि बिजनेस जो होता है वो तुरंत बहुत फ़ायदेमंद नहीं होता है, शुरुआत करनी पड़ती है। पहले छोटी शुरुआत होती है, फिर वो धीरे 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 कई सालों में बड़ा होता है। और जो नौकरी होती है, मान लीजिए आपकी कोई ऐसी परिस्थिति है कि आप कोई बहुत बिजनेस नहीं कर सकते, कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते, तो क्योंकि बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ ना कुछ आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कुछ धैर्य रखना पड़ेगा, कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद वो चीज़ें धीरे धीरे ग्रो होंगी। उसमें फ़ायदा भी हो सकता है, उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है, तो कई सारी चीज़ों का फैक्टर होता है। लेकिन नौकरी में क्या है कि आप काम करते हैं, उसके बदले में आपको फिक्स अमाउंट मिलता है जिससे आप अपना खर्चा चलाते हैं। तो कोशिश ये कर सकते हैं कि अगर आप नौकरी करते हैं तो कुछ कुछ पैसे को बचाते 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 आप एक छोटा सा बिजनेस ज़रूर करें, जो कि आपके इन फ्यूचर, आपके आगे वाले जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सके। अगर आपको हमारी ये बात अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में किसी ऐसे ही पॉइंट पे बात करते हुए। आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।